मेरा नाम शमशाद अली है और आप देख रहे हैं शमशाद अली ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। सो गाइज, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप अपने किसी भी पीडीएफ फाइल को आप कैसे एमएस वर्ड में या फिर डॉक्स में कन्वर्ट कर सकते हो अपने मोबाइल से। जैसा कि आप यहां पे देख सकते हैं, मेरे हाथ में है मोबाइल। इस मोबाइल से आप कैसे बहुत ही आसानी में पीडीएफ फाइल को एडिट कर सकते हो। आज के वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। उसमें आप कुछ ऐड करना चाहो तो आप ऐड भी कर सकते हो। जैसे कि मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर मेरा एक सीवी है, मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। इसमें मुझे कुछ एडिट करना है जो कि आपका ये पीडीएफ में है। मुझे इसमें कुछ एडिट करना लाइक एज यहाँ पे मेरा डेट ऑफ बर्थ बाई मिस्टेक गलत अपडेट है, या फिर मेरी ईमेल आईडी जो है वो चेंज हो चुकी है, या फिर मेरी जॉब प्रोफाइल थी जो पहले कुछ और थी वो अब कुछ और हो चुकी है। तो इनमें से जो भी आप चेंजेस करना चाहते हो तो आप बहुत ही आसानी में आप अपने किसी भी पीडीएफ फाइल को सबसे पहले क्या करेंगे, आपको एमएस वर्ड में कन्वर्ट करना होगा। एमएस वर्ड में कन्वर्ट करने के साथ साथ उसे आप कैसे एडिट कर सकते हो, मैं आपको वो भी दिखाऊंगा। तो आप चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो सिंपली आपने सबसे पहले क्या करना होगा, आपकी जो भी पीडीएफ फाइल जहाँ पे भी है आपने अच्छे से उसे याद रखना है। तो अच्छे से रेडी रख लेने के बाद या फिर जिस भी नाम से फाइल है तो वो आप उसे अच्छे से मालूम होना चाहिए। तो इसके लिए क्या करना होगा, आपने अपने एक ब्राउज़र को ओपन कर लेना है। यहाँ पे वीडियो को पूरा स्टार्ट से लेकर इन तक देखिएगा, कहीं पे भी स्किप या फिर फॉरवर्ड ना कीजिएगा, क्योंकि स्किप या फिर फॉरवर्ड करेंगे फिर आपको समझ में नहीं आएगा और फिर आप कमेंट्स में कहेंगे कि मैं एडिट नहीं कर पा रहा हूँ। तो इसके साथ ही इसीलिए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ। तो आपने एक ब्राउज़र ओपन कर लेना है, क्रोम ब्राउज़र। क्रोम ब्राउज़र होने के बाद ओपन करने के बाद यहाँ पे आपने स्पेलिंग सर्च कर लेना, आई लव पीडीएफ। आई लव पीडीएफ पे आप जैसे सर्च करेंगे तो कुछ इस तरीके से आपकी ऑफिशियल वेबसाइट पहली वो ओपन होकर आएगी। तो आपने उसे ओपन कर लेना। आप जैसे उसे ओपन करेंगे तो यहाँ पे सबसे पहले आपने क्या करना है, अपने पीडीएफ फाइल को वर्ड में कन्वर्ट करना है, क्योंकि वर्ड में कन्वर्ट करेंगे तभी आप उस पर कुछ एडिट कर पाएंगे। तो वर्ड में कन्वर्ट करने के लिए आप जैसे पेज को ऊपर करेंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिल रहा है पीडीएफ टू वर्ड, तो आपने सिंपली इस पर क्लिक कर देना है। आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिल रहा है सिलेक्ट पीडीएफ फाइल, तो आपने सिंपली सेलेक्ट पीडीएफ फाइल पे क्लिक कर देना। आप जैसे सेलेक्ट पीडीएफ फाइल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे फाइल का एक ऑप्शन देखने को मिल रहा है, तो आपने इस पर क्लिक कर लेना। अब जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको बहुत सारी फाइलें देखने को मिलेंगी। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, आप अपने फाइल का नाम याद रखिए। जैसे कि ये देखिए, मैंने उस फाइल को पहले से ही अपने फ़ोन के एक फोल्डर बना के सेव किया हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने अपने उस जो भी हमारा सीवी था या फिर रिज्यूमे था उसे मैंने ओपन कर लिया। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने उसे ओपन कर लिया है यहाँ से। उसके बाद यहाँ पे कन्वर्ट टू वर्ड का एक ऑप्शन देखने को मिल रहा है, तो सिंपली आपने कन्वर्ट टू वर्ड पर क्लिक कर देना है। आप जैसे कन्वर्ट टू वर्ड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिल रहा है आपको डाउनलोड वर्ड का, तो आपने सिंपली इस पर क्लिक कर देना है। आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे कि डाउनलोड का एक ऑप्शन देखने को मिल रहा है, तो आपने सिंपली इसे अच्छे से डाउनलोड कर लेना है। यहाँ तक आने के बाद यहाँ के बाद आपने एक एप्लीकेशन और डाउनलोड करना है, जिस एप्लीकेशन का नाम है मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं उस एप्लीकेशन का नाम है WPS Office। आपने इस एप्लीकेशन को अच्छे से प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। आपको इस ऐप की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से भी जाके डायरेक्ट इस एप्लीकेशन को अच्छे से डाउनलोड कर सकते हैं। तो जैसा कि आपने इस एप्लीकेशन को अच्छे से इंस्टॉल कर लेने के बाद जो भी आपने फाइल अभी डाउनलोड किया हुआ है तो आपने उसे ओपन कर लेना। जैसे कि ये देखिए मैं इसे ओपन कर लेता हूँ। आप जैसे इस पर ओपन करेंगे तो ये आपका, जैसा कि मैंने आपको बताया, WPS जो एप्लीकेशन है उसे आपने अच्छे से इंस्टॉल करके परमिशन दे देंगे तो कुछ इस तरीके से ओपन करेंगे इस तरीके से इंटरफेस आपको ओपन आएगा। तो जो पहला ऑप्शन यहां पे WPS ऑफिस का, तो आपने इस पे ही सेलेक्ट कर देना है। अब जैसे इस पर सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे तो कुछ इस तरीके से आपकी जो फाइल है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी, जैसा कि आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे आने के बाद अब आपने क्या करना है, इसमें कुछ एडिट करना है। तो एडिट में करने के लिए यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिल रहा है आपको एडिट का, तो आपने सिंपली एडिट पर क्लिक कर देना। आप जैसे एडिट पर क्लिक करेंगे अब आप इसमें जो भी चेंजेस करना चाहो आप चेंजेस कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर मुझे मोबाइल नंबर इसमें ऐड करना है, तो जैसे कि ये देखिए यहाँ पर मोबाइल नंबर आप ऐड कर सकते हो। वर्क एक्सपीरियंस, जैसे कि यहाँ पे आप कुछ चेंजेस करना चाहो तो आप चेंज कर सकते हो। जैसे कि ये देखिए मैं यहाँ पे कुछ चेंजेस कर रहा हूँ, तो इसमें चेंजेस कर लेते हैं। इसके साथ ही मैं मान लीजिए डेट ऑफ बर्थ मेरा चेंज है, यहाँ पे गलत अपडेट हो चुका है, तो यहाँ पे मैं अपना डेट ऑफ बर्थ चेंज कर लेता हूँ। अगर आप सिंगल मैरिड जो भी हो, यहाँ पे आप क्वालिफिकेशन वगैरह जो भी अपडेट करना चाहो वो सारी चीज़ें आप ए टू जेड मान लीजिए आपने अपडेट कर लिया, मतलब एक्यूरेट सही कर लिया अपने मोबाइल से। उसके बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देखने को मिल रहा है आपको बगल में डन का, तो आपने सिंपली डन पे क्लिक कर देना। आप जैसे डन पे क्लिक कर दिया तो आप यहाँ पे एक बार फिर से क्रॉस चेक कर सकते हो आपकी जो डिटेल्स है सारी चीज़ें सही हैं। उसके बाद यहाँ पे
एक ऑप्शन देखने को मिल रहा है आपको सेव का, जैसा कि यहाँ पे आपको हाईलाइट हो रहा है, तो आपने सेव वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना। आप जैसे सेव वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे तो ये जो आपकी फाइल है वो आपकी एमएस वर्ड में या फिर बोल सकते हैं डॉक्स में सेव हो चुका है। अब यहाँ पे आपकी जो रिज्यूमे थी आपने पहले पीडीएफ से वर्ड में कन्वर्ट किया, अब मान लीजिए आपने कन्वर्ट तो कर लिया है आपका वर्ड में, अब आपने इसमें सारी चीज़ें करेक्शन भी कर लिया, अब आप जिसे भेजना चाहते हो फिर से उसे पीडीएफ में भेजना चाहते हो तो आपने फिर से उन्हीं स्टेप्स को आपने अप्लाई करना है। तो जैसे कि अब इस फाइल को आपने ऑलरेडी सेव कर लिया है, मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे अच्छे से सारा चीज़ क्रॉस चेक करके सेव कर लिया, सेव कर लेने के बाद आपने क्या करना है, आपने फिर से ब्राउज़र ओपन कर लेना। जैसे कि ये देखिए मैं यहाँ पे ब्राउज़र पे आ चुका हूँ। अब जब आप ब्राउज़र पे आएंगे तो फिर से आपका ब्राउज़र जो होगा वो कुछ इस तरीके से ओपन होकर आएगा। अब आपने यहाँ पे फिर से सर्च कर लेना है आई लव पीडीएफ, आई लव पीडीएफ जैसे ही सर्च करेंगे तो यहाँ पे अब आपने क्या करना है, अब आपने वर्ड टू पीडीएफ चेंज करना है। यहाँ पे आप आई लव पीडीएफ पे क्लिक करेंगे, अब आपने यहाँ पे सर्च कर लेना है वर्ड टू पीडीएफ, यहाँ पे आपको ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। अभी आपके आपने क्या किया था पीडीएफ टू वर्ड, अब आपने करना है वर्ड टू पीडीएफ, तो यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिल रहा है वर्ड टू पीडीएफ का, तो आपने सिंपली वर्ड टू पीडीएफ पे क्लिक कर लेना। आप जैसे वर्ड टू पीडीएफ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिल रहा है सेलेक्ट वर्ड फाइल का, तो आपने सेलेक्ट वर्ड फाइल पे क्लिक कर लेना है, उसके बाद फाइल्स पे आ जाना है। आप जैसे ही फाइल्स पे आएंगे तो यहाँ पे आपको फाइल जो होगी वो कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगी, तो आपने यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिल रहा है रिसेंट का, तो आप सिंपली रिसेंट पे आएंगे, तो रिसेंट पे आप आएंगे तो अभी आप यहां पे देख सकते हैं जो भी मैंने फाइल रिसेंट में यूज किया था यहां पे आपको देखने को मिल रहा है, तो आपने सिंपली इस पे सेलेक्ट कर लेना है। ये वही वाली फाइल है जिस पे अभी मैंने एडिट किया या फिर उसमें जिस भी जो भी चेंजेस किया। उस तरीके से ओपन होने के बाद यहां पे एक ऑप्शन देखने को मिल रहा है कन्वर्ट टू पीडीएफ का, तो सिंपली आपने कन्वर्ट टू पीडीएफ पे क्लिक कर देना। आप जैसे कन्वर्ट टू पीडीएफ पे क्लिक कर देंगे तो यहां पे आपको कुछ सेकंड्स का वेट करना होगा। अब आप यहां पे देखेंगे अभी कुछ ही सेकंड में आपकी जो फाइल है वो बहुत ही आसानी वे में आपका कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं जो फाइल है वो सक्सेसफुली पीडीएफ में कन्वर्ट हो चुकी है। अब मैं इसे डाउनलोड भी कर लेता हूँ, ये देखिए मैंने इसे डाउनलोड कर लिया। अब जैसे ही इसे डाउनलोड किया, अब आप यहाँ पे देख सकते हैं जो हमारी पीडीएफ में फाइल है वो सक्सेसफुली जो भी मैंने चेंजेस वगैरह किया था यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ में चेंजेस किया था, आपका मोबाइल नंबर में ऐड किया था, और यहाँ पे जो भी आपको गलत सही लग रहा था तो आपने सारी चीज़ें ए टू जेड एक्यूरेट करने के बाद यहाँ पे आपने देखा। अब इसे आप जिसे भी भेजना चाहते हो अब बहुत ही आसानी में यहां से शेयर कर सकते हो पीडीएफ में। सो कुछ इस तरीके से आप बहुत ही आसानी में इन स्टेप्स को अप्लाई करके आप किसी भी पीडीएफ फाइल को आप एमएस वर्ड में या फिर बोल सकते हैं डॉक्स में कन्वर्ट कर सकते हो और उसे बहुत ही अच्छे से यूज कर सकते हो। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों अपने दोस्त संसाद अली को इजाजत दीजिए, मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।